ये ऐसे है, जब एक डिजास्टर होता है तो ये तो किसी का मतलब एनएचपीसी के कारण तो ये डिजास्टर तो हुआ नहीं है, ये एक जो है त्रासदी है जिसके कारण हम लोग दोनों पार्टी मतलब सभी लोग जो है हम लोग पीड़ित रहे। तो हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं जो आप लोगों को जो है इस तरीके से अगर कोई रिलीफ हम लोग दिया जाए, हमारा तरफ से जो है प्रोसेस हुआ है और जीटीए की तरफ से जो प्रपोजल आया था उसको हम लोग प्रोसेस तो किए हैं, लेकिन ये बजट और अप्रूवल के ऊपर भी डिपेंड करता है, सिर्फ ये पावर स्टेशन के अप्रूवल में नहीं है, ये हम पहले भी हमारा डीएम साहब को भी बताया, आपका लोकल अथॉरिटी को भी बताया, इवन मंच का आदमी भी हमारे साथ आए थे, हमारे साथ डिस्कस भी हुआ था, मैं उस समय भी बताया था, हम पूरा साथ में आप लोगों के साथ बिल्कुल साथ में हैं, ऐसे नहीं है हम अलग करके कोई काम कर रहे हैं और अलग करके पावर स्टेशन चला सकते हैं, ऐसे बिल्कुल आप लोगों से कटऑफ होकर पावर स्टेशन चले गए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, एक सरकारी कंपनी है जिसको जो है अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है और साथ में जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और जीटीए भी है, तो हम लोग सबको मिलके जो है क्या कर सकते हैं वो हम देख ही रहे, हमारा पार्ट एनएचपीसी का पार्ट हम कर रहे हैं और साथ में जो भी इस एरिया पे मतलब अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्शन वर्क है कुछ कुछ चीज हम लोग टेकअप भी किए हैं, जीटीए भी टेकअप किया है उस एरिया पे, बाकी और भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो है प्रोविजन देख देख के, क्योंकि एक बजट का मुद्दा तो रहता ही है, हम बजट के लिए अप्रूवल के लिए भेजे भी है, डेफिनेटली वो आएगा, हम लोग बाकी काम भी करेंगे, तो मेरा तो इतना ही कहना था। हम लोग इसमें खुश नहीं है, आपने जो पहले बताया था आज भी आप वही बता रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम हमारे साथ हुआ है वो एनएसपीसी के वजह से ही हुआ है, आपका जो पावर है उस पावर में आप शायद प्रॉब्लम में होगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आपका पोजीशन है उसको भी आप रिस्क लेना पड़ेगा, आपका पोजीशन से ऊपर में आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनएसपीसी के आपने बोला कि एनएसपीसी इसमें डाई नहीं, आपने बोला ये गलत है, डाई नहीं होने से हम लोग इधर में नहीं आता था, आपको तो पहले भी हमने पिक्चर भी दिखाया था, पहले तिस्ता कहां था अभी तिस्ता कहां पर है, अभी NS-10 क्यों सबमर्ज हो रहा है, सरकार चाहे तो जो भी कर सकता है, सरकार ने जम्मू कश्मीर में 370 को निरस्त किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम था फिर भी वो निरस्त किया, कलकत्ता का जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक किया, चीफ मिनिस्टर खुद आकर प्रॉब्लम ठीक किया, और ये प्रॉब्लम भी आप लोगों को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा, जारी तो रहेगा दूसरा तरफ भी जा सकता है, अभी आपका ये सेकंड गेट में हम लोग है, दूसरा बार पहले गेट में भी हम आ पाएंगे, उसके लिए कोई रोक नहीं सकेगा हम लोग को कोई रोक नहीं सकेगा, तब आपका पावर जनरेशन भी बंद हम कर देंगे, ये पावर जनरेशन ये एनएसपीसी हम लोग तिस्ता के लिए नहीं, सिक्किम कालिम्पोंग दार्जिलिंग ये जो ऊपर का जो एरिया है सबके लिए खतरा है, अभी आप लोग का प्रोटेक्शन वो सक्सेस वाल से नहीं होगा, आप लोग ने ये जो तिस्ता को बंद किया, आपने तिस्ता को बंद किया और इसको जनरेट हुआ और आपका साइट में आपको प्रोटेक्शन कर नहीं पाएंगे आप, क्यों आप सिर्फ पैसे देखते हैं, देश का विकास गांव का विकास है, देश का विकास दिल्ली का विकास नहीं है, देश का विकास आपका विकास नहीं है, आपका इस जगह में हमारा कितना आदमी परमानेंट है बताइए तो, ये एनएसपीसी में हमारा लोकल कितना आदमी परमानेंट है बताइए तो, आप लोगों ने अभी तक कितना फ्री बिजली मिला बताइए तो, सिर्फ हमारा आप विक्टिम करते हैं हमको, हम अभी इसके बाद मीटिंग बैठेंगे, हमारा जो है कमिटी और हमारा साथ देने वाला जितना भी एनजीओस है, बाद में हमारा साथ पॉलिटिकल पार्टी भी आएगा, इससे पहले हम पॉलिटिकल पार्टी से भी बात किया, एनजीओ से भी बात किया, और ये 27 मील के ऊपर में जितना तब्दा कैंटोनमेंट के एरिया जितना भी हम साथ में लेंगे,
रोगली रामलेट ब्लॉक को भी हम साथ में लेंगे, और जितना भी ये एनएसटेन का एरिया है, एनएसटेन बंद के कारण से ये इलाका का जितना भी दुकान है अभी बंद है आपके वजह से, आपके वजह से दुकान बंद है, अभी एनएसटेन सब बस हो रहा है, अभी ये सब अब हिसाब होगा, इसका एक ही बार हिसाब होगा। अब आपको भी तैयार रखना होगा, हम भी तैयार है, देखेंगे क्या होगा।